गया। दूसरी तरफ INDIA गठबंधन की भी बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। शाम 6 बजे बैठक हुई, करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि अब आगे जो भी फैसला लेंगे बेहद ही सोच समझ करके फैसला लेंगे, लेकिन सरकार बनाने का दावा अभी पेश नहीं करेंगे। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया। लेकिन फिलहाल NDA गठबंधन की बैठक को लेकर के अपडेट ले लेते हैं सहयोगी आनंद से, जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आनंद, आज दिल्ली में किस तरीके की हलचल दिन भर देखी जा सकती है? कल भी बैठक हुई, बैठक को लेकर के क्या अपडेट आपके पास? परिणाम के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। NDA एक तरफ बैठक कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। अगर NDA की बात किया तो कल NDA घटक दलों की बैठक हुई, जहां सब पार्टीज ने सर्वसम्मति से ये माना कि हमारा नेता PM मोदी है। जिसके बाद आज की अगर बात किया तो आज BJP में मंथन होगा कि क्या कारण हुआ जो महाराष्ट्र में BJP हार गई, क्या कारण हुआ उत्तर प्रदेश में BJP हार गई, तो उसको लेकर मंथन होगा। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कई प्रदेश अध्यक्षों पर भी गाज गिर सकती है, जिसकी शुरुआत खुद उत्तर प्रदेश के BJP अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी के इस्तीफे के चलते होगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही भूपेंद्र चौधरी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलने को लेकर खबरें चल रही। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को वहां भेजा जाएगा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। तो कहीं ना कहीं दोनों प्रदेश ऐसे रहे जहां BJP ने फूकी खाई और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सामने हार झेलनी पड़ी, और इसके चलते अब BJP अपने तमाम चीजों को लेकर मंथन कर रही, क्या कमी रहेगी। और उसके बाद आज की बात जब कल की जाए तो कल NDA सांसदों की 11 बजे बैठक होनी है पार्लियामेंट में, जिसमें NDA के सांसद अपना नेता PM मोदी को चुनेंगे और उसके बाद 8 तारीख को PM मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन 7 तारीख को ही जब 11 बजे अपना NDA के सांसदों की मीटिंग होगी, तो NDA सांसदों की मीटिंग के बाद जब नेता PM मोदी को चुन लिया जाएगा, तो उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और दावा पेश करने के बाद अगले दिन यानी 8 तारीख को PM मोदी प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेंगे, जो कि भारतीय तमाम समय में या कहें भारतीय इतिहास में पहली बार है कि गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लेगा। जी। बिल्कुल आनंद, देखिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी PM पद की शपथ लेंगे, बेहद ही शानदार ये रहने वाला है। तो किस तरीके की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहा जाए कि NDA की तरफ से की जा रही है? देखिए ये अलग समय है, अद्भुत समय है, जहां पहले गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है। ये आपने देखा जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो तमाम साउथ एशियन देशों को बुलाया गया था, तो उसी तर्ज पर एक बार फिर जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे तो साउथ एशिया के तमाम देश जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान के साथ तमाम देशों को बुलाया गया है कि आप आइए हमारे शपथ में इनविटेशन दिया गया, जिसमें से श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने अपना इनविटेशन भारत का स्वीकार कर लिया और उन्हें बोला है कि हम आएंगे। भूटान को भेजा दिया है, भूटान ने स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भेजा गया है इनविटेशन, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मॉरिशस और उसके साथ नेपाल को आज शाम तक भेज दिया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनकी भी सहमति इसको लेकर होगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जब आप 8 तारीख को जब देखेंगे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी के साथ एक ऐसी डिप्लोमेसी भारत में रसी जाएगी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं माना जाता है मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल के दौरान डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को लेकर BJP पूरी तरह से अग्रेसिव थी, और उसी के तहत एक बार फिर उस पॉलिसी का नजारा फिर देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री इसके बाद शपथ लेंगे। चलिए ठीक है आनंद, एक चीज और जानना और समझना चाहेंगे, सरकार बनाने का दावा तो पेश करेंगे ही करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान लग रहा है कि पेच फंस सकता है, क्योंकि TDP और नीतीश कुमार की नजरें हैं जो मुख्य विभाग है, कृषि का विभाग हुआ, रेलवे विभाग हुआ, तो तमाम जो मुख्य विभाग है उन पर TDP की और नीतीश कुमार की नजरें बनी हुई है। जी, कोलिशन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी यही रहती है कि जब भी आप कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो मंत्रिमंडल अपनी हिस्सेदारी को लेकर तमाम कोलिशन की पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि हमारा हिस्सेदार ज्यादा हो, और एक बार फिर वही चीज देखने को मिल रही है। TDP की अगर बात किया, TDP स्पीकर का पद और उसके साथ 4 से 5 मिनिस्ट्रीज मांग रही है, जिसमें से क्योंकि आंध्र प्रदेश से खुद अब वहां पे सरकार विधानसभा जीत चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, तो वहां मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे, लेकिन वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी तक राजधानी नहीं है, नई राजधानी बनानी है, तो उनकी नजरें अर्बन जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज पर है। जैसे रूरल डेवलपमेंट में चाह रहे हैं कि हमें उसकी मिल जाए, ऑयल पेट्रोलियम पे उनकी नजरें हैं, अर्बन डेवलपमेंट में उनकी नजरें हैं, तो 3 मिनिस्ट्रीज उन्होंने मांगी है। और अगर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार 5 मंत्रालय चाह रहे हैं, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री और 2 MOs मांग रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें चिराग पासवान की बात की, चिराग पासवान 1 कैबिनेट मंत्री जो कि खुद बनेंगे और उसके साथ 1 MOS की मांग कर रहे हैं, जितने माझी 1 MOS की मांग कर रहे हैं। ऐसे कई घटक दल हैं जो लगातार मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, लेकिन BJP भी उनके साथ नेगोशिएट करेगा। तो BJP की बात की जाए तो BJP की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह,
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, वो नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि कितनी कितनी मिनिस्ट्रीज किसको मिलती है, क्योंकि स्पीकर का पद टीडीपी इसलिए से आ रही है क्योंकि आप इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं स्पीकर का पद, यानी कि ये कहा जाए कि बीजेपी ने एनडीए ने मैन टू मैन प्लान एक तैयार किया है कि सभी एक दूसरे से बात करें, विचार विमर्श किया जाए और मंथन किया जाए ताकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए तो उस वक्त किसी इसी तरीके की माथापेची ना हो या फिर सरकार बनते बनते बिगड़ ना जाए, जो समर्थन मिल रहा है समर्थन पीछे ना हो जाए। जी बिल्कुल, जनता के जनादेश का सभी पार्टी चाहे एनडीए की बात चाहे इंडिया गठबंधन की बात किया वो साकार है और मान रही कहीं ना कहीं जनता ने उनको भी फेवर किया, तो उसको लेकर कुछ जाना था को लेकर 5 साल गवर्नमेंट चलाना एनडीए को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए की तमाम पार्टी एक साथ आ सके, उसको सॉर्ट आउट कर सके और जो भी लेकर अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी जेडीयू सेक्युलर पार्टी है बीडीपी के अलग मुद्दे से तमाम मुद्दों को लेकर कोशिश की जा रही है कि तमाम नेता एक साथ बैठ सके, समन्वय बना सके और कोशिश कर सके कि कोलिशन गवर्नमेंट पूरे 5 साल चल सके। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो नेगोशिएशन चल रहे हैं बैकडोर में मंत्रालय को लेकर किसको कितनी बड़ी प्रोफाइल मिलती है, क्योंकि नीतीश कुमार की बात की है तो वो खुद रेल मंत्रालय मांग रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भारत के इतिहास में पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन रेलवे को लेकर बीजेपी का ये कहना है कि रेलवे में जो काम किया है वो अश्विनी वैष्णव ने किया है, जिसके चलते वो कोशिश कर रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी ने रेलवे में किया है वही बरकरार रहे और आगे चलते बुलेट ट्रेन से लेकर तमाम चीजें लोगों के बीच आ सके, जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं दिखा सके कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं देश का विकास कर, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बताया, तो लेकिन कई मिनिस्ट्रीज को लेकर लगातार नेगोशिएशन का दौर अभी जारी है। चलिए ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।